झरिया आर के माइनिंग में कार्यरत टाइम ऑफिस के कर्मचारी मोहित कुमार का शव निमिया घाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को मिला था, जिसके बाद बुधवार को मोहित के परिजन शव को लेकर आरके माइनिंग पहुंच मुआवजा एवं जांच की मांग करने लगे। इस दौरान बुर्रागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे से परिजनों एवं वहां उपस्थित प्रदर्शन कर रहे लोगों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह घटनास्थल पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिए। एक थाना क्षेत्र में एक बाइक बरामद हुआ था और उसी के सीक्वेंस में बाइक सवार थे और जो आरके ट्रांसपोर्ट के जो कर्मचारी थे उनका बॉडी मिला गिरिडीह निमियागढ़ थाना क्षेत्र में। तो स्वाभाविक है कि परिजन को लगा होगा कि घटना का परिप्रेक्ष्य क्या है, तो ऑलरेडी निमियागढ़ थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वहाँ की पुलिस और धनबाद की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक केस की अनुसंधान कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी जो है कुछ झुंड में कुछ असामाजिक तत्व के ग्रुप में और उसके साथ कुछ लोग आ गए आरके ट्रांसपोर्ट में काम को बाधित करने के लिए। हम लोगों ने चेतावनी दिया कि चूँकि पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है और जो यहाँ के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु हुई है तो स्वाभाविक है कि दुख सबको है, चूँकि यहाँ काम करते थे वो, तो हम लोगों ने कोशिश किया उनको जानकारी के अनुसार आरके ट्रांसपोर्ट प्रबंधन द्वारा नोटिस चिपकाया गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी बाहर जाता है तो लिखित आवेदन देना है। देखिए पहली चीज़ है कि अभी जो विषय वस्तु पर आप पूछ रहे हैं उस सवाल को आप पूरा करने दीजिए। पहली चीज़ क्या है कि जैसे प्रबंधन से हमारी जो बात हुई तो उनके पास एक रजिस्टर होता है इन और आउट का, सीसीटीवी फुटेज है, तो सारा चीज़ जो है अनुसंधान का विषय है किस परिस्थिति में आदमी गया और डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस क्या है नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। निमियाघाट पुलिस या बोरागढ़ पुलिस या कुटिया पुलिस या केंदुआ पुलिस या तेतुलमारी पुलिस, जहाँ जहाँ इस तरह का सीक्वेंस जुड़ा हुआ है पुलिस उसको गहराई से और सूक्ष्मता से जांच करेगी। और इस घटना से हमको लगता है आधा प्रदर्श तो उठ चुका है और जल्दी इसका तस्वीर साफ हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। तो ये मेरा उद्देश्य था कि चूंकि यहाँ के कर्मचारी है उसका जो भी फंड से संबंधित, ग्रेचुटी से संबंधित और पीएफ से संबंधित या उसके आश्रित को नौकरी देने की बात है, इस सब बिंदु पर सहानुभूतिपूर्वक प्रबंधन हमसे बात किया है कि चूंकि हम लोग को दुख है कि मेरा कर्मचारी था और उसके साथ इस तरह की हादसा हुई, तो इसके लिए आपको प्रबंधन को भी साथ देना होगा। तो हमारा यही कहना था कि इस तरह का भीड़ आ करके बीसीसीएल का यहाँ प्रोडक्शन है, कोल का डिस्पैच है, यहाँ कोई तोड़ फोड़ करे, पदाधिकारियों के साथ मिसबिहेव करे, यहाँ सीआईएसएफ की टुकड़ी खड़ी है, तो वो एक गलत मैसेज जाता है। तो हम लोग का स्थानीय पुलिस का ही उद्देश्य था कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करें। इवन कि उनके परिजन से बात हुई है, परिजन ने सहमति भी दी है कि सर इन बिंदु पर यदि गहराई से विचार किया जाएगा तो हम लोग पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का परिजन का कहना है जो हम लोग को न्याय मांगने आए थे हम लोग पर लाठी बरस नहीं, इसमें मृतक के परिजन का कोई दोष नहीं है। प्रबंधक के इशारे पर उन्होंने से लाठी चाहिए नहीं, देखिए मृतक का परिवहन का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस घटना को दूसरे प्रदर्श में डाइवर्ट करना चाहते हैं और लोगों को ध्यान हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है इसी भीड़ में कुछ इस तरह का सामाजिक तत्व हो जिसका इस घटना से लिंक हो, तो पुलिस सारे बिंदु पर गहनता से और सूक्ष्मता से जो है अनुसंधान करेगी और उसके साथ जो न्याय की बात है प्रबंधन से साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उस पर हम लोग प्रबंधक कल विशाल कुमार का बयान था तो हमसे छुट्टी 2 घंटा का मांग के गया, आज उनका कहना है कि मेरे को मालूम ही नहीं कि कब गए। देखिए एक चीज़ आप क्या बोले कि प्रबंधन क्या कह रही है नहीं कह रही है कहाँ क्या बोल रही है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सीसीटीवी फुटेज की बात है पुलिस अपने हिसाब से अनुसंधान करेगी और जाँच करेगी और जो फैक्ट है वो हम लोगों के सामने लाएगी। हाँ यही था कि मेरा भाई यहाँ ड्यूटी करने आया हुआ था, यहाँ पर घर में सूचना मिली है कि हम जो है यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद से वो जो है लापता है, वो जो गाड़ी लेके आया था, गाड़ी जो है तेतुलमारी थाना में पाया गया। उसके बाद तेतुलमारी थाना में जब हम वहाँ गए, गाड़ी अपना बरामद हुआ, उसको थाना वाले ट्रेस किया तो उसका मोबाइल लोकेशन जो है मुठी में बताया गया। जब हम दिन भर जो है छानबीन की, अस्पताल वगैरह घूमे, सारा कुछ देखे कि कहाँ पर है, सारा पता नहीं किया, तो शाम को जब हम निकले
डुमरी के लिए, तो निमिया घाट के पास पता चला कि यहाँ कोई डेड बॉडी जो है सुबह में आके डंप करके गया है। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो फोटो वगैरह दिखाए तो हमको लगा कि वही है। पोस्टमार्टम हाउस में जाके उसको शिनाख्त किए कि नहीं यही वो लड़का है, मेरा भाई ही है। अभी आ जाना, अभी होता रहेगा। बॉडी ला करके आप मांग कर रहे थे लेकिन आपको लाठी चाहिए, क्या आपको क्या एहसास हुआ? प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग मिल रहा है कि क्या? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हमको नहीं मिला, उल्टा जो है आप लोगों को भगाने का कोशिश किया गया, केस को जो है लूज करने का कोशिश किया गया है कि क्राइम जो हुआ है वो तबारी है प्रशासन की, क्राइम कहाँ से हुई है और ये मर्डर को जो है तक जाने का कोशिश पे आपके ऊपर भी लाठी पड़ा था यहाँ पे, तो क्या होगा? लाठी मेरे ऊपर नहीं पर दबाव था कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। स्वदेश।